नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। कृष्ण कुमार कुनत्थो यानी के अब हमारे बीच नहीं है। कोलकाता में एक कंसर्ट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। केके के जाने के बाद सभी सदमे में हैं। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत पूरी तरीके से अस्तब्ध है। अब केके ने जिस तरीके से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी, लगभग 700 से ज़्यादा वो गाने अलग अलग भाषाओं में गा चुके थे, उनका एक बहुत बड़ा ऑरा बन चुका था। ऐसे में केके का जाना हर एक के लिए दुखद खबर है। क्रिकेट जगत इस वक्त सदमे में है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स उन्हें याद कर रहे हैं और भावुक हो उठे हैं। जैसे भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं, कोलकाता में शो के दौरान बीमार पड़ने के बाद केके के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। जीवन कितना नाजुक है, उनके परिवार मित्रों के लिए संवेदनाएं, ओम शांति। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना लिखते हैं, बिल्कुल अस्तब्ध, दुखद क्षति। आपके गीत हमेशा दिलों में रहेंगे, आप एक लेजेंड हैं। बहुत जल्दी चले गए केके, प्रियजनों को दुख सहने की शक्ति मिले, ओम शांति। मोहम्मद कैफ लिखते हैं, बेहद प्रतिभाशाली और बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक केके के निधन से अस्तब्ध हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी केके के जाने पर शोक व्यक्त किया और लिखा, लॉस्ट अ मैग्निफिसेंट सिंगर ऑफ आवर टाइम्स एंड सो सडनली, कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड क्लोज वंस। वसीम जाफर केके की गाने की कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं और उन्हें याद करते हैं और अपने ट्वीट में लिखते हैं, हम रहें या ना रहें कल, कल याद आएंगे ये पल। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि केके नहीं रहे, उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं और प्रार्थना। युवराज सिंह लिखते हैं, जीवन कितना निश्चित और नाजुक है, केके के दुखद निधन के बारे में दुखद समाचार मिला, ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ओम शांति। तो कुछ इसी तरीके से क्रिकेटर्स भी केके के जाने के बाद अस्तब्ध हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि केके ने अलग अलग भाषाओं में लगभग 700 से ज़्यादा गाने गाए। इसके अलावा उनके कई सुपरहिट गाने आज भी सबके जहन में ताजा हैं, चाहे वो ओम शांति ओम का गाना हो या फिर अलविदा उनका गाना हो, हर जगह केके ने अपनी छाप छोड़ी। ऐसे में उनका इतनी कम उम्र में जाना निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है। आपको बता दें कि कोलकाता में एक कॉलेज में वो कंसर्ट कर रहे थे, जहां पर उनका निधन हुआ। अभी तक बताया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है, बाकी जांच अभी जारी है। जो कुछ भी खबरें आएंगी आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन केके के जाने के बाद क्रिकेट जगत सदमे में है और भावुक होकर उन्हें याद कर रहा है। हमारी तरफ से भी केके की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं।